जी हाँ दोस्तों, गाजा युद्ध के बीच एक और इस्लामिक देश के साथ इजराइल का हो गया पंगा। मिस्र ने दी इजरायली सैनिकों को पीछे हटने की चेतावनी। अचानक क्यों बड़ा तनाव? आर्मी चीफ भी किया बॉर्डर एरिया का दौरा। जानेंगे पूरा मामला। वहीं अगली खबर में आपको बताएंगे, रूस के पास होगी चीन के बाद सबसे बड़ी सेना। पुतिन ने लाखों भर्तियों का दिया आदेश। भारत अमेरिका रह जाएंगे पीछे। इसी के साथ आपको बताएंगे, तालिबान को तुर्कमेनिस्तान के साथ गैस पाइपलाइन पर बड़ी कामयाबी। फिर भारत क्यों खींच रहा हाथ? पाकिस्तान से है कनेक्शन। तो दोस्तों, सभी खबरें विस्तार से बताएंगे। उससे पहले तमाम नए आने वाले साथी से गुजारिश है, MW न्यूज को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको सभी खबरें आसानी से मिल सके। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। जी हाँ दोस्तों, मिडिल ईस्ट में इजराइल कई मोर्चों पर घिरता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ गाजा में हमास के खिलाफ युद्ध जारी है, तो वहीं दूसरी ओर हिजबुल्ला और हौती संगठन भी इसराइल के टेंशन बढ़ा रहे हैं। इस्माइल हानिया की मौत से आक्रोशित ईरान भले ही शांत हो, लेकिन इसराइल पर उसके हमले का खतरा अब भी बरकरार है। इस बीच इसराइल और मिस्र के बीच भी तनाव की खबर है। दरअसल इसराइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू बार बार मिस्र बॉर्डर से हथियारों की तस्करी का दावा करते रहे, जिसे लेकर अब मिस्र ने नेतन्याहू पर पलटवार किया है। मिस्र ने राफा बॉर्डर पर बने फिलाडेल्फी कॉरिडोर से जल्द इजरायली सैनिकों को हटाने की भी मांग की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिस्र के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दावों पर कड़ी आपत्ति जताई है। इस अधिकारी का कहना है कि नेतन्याहू हमास के साथ युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई की बातचीत में बाधा डाल रहे हैं। मिस्र की ओर से यह आरोप तब सामने आए जब कुछ दिनों पहले ही नेतन्याहू ने गाजा मिस्र सीमा पर नियंत्रण बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने दावा किया कि यह हमास के लिए राफा बॉर्डर फिर से हथियारबंद होने का एक तरीका है। मिस्र ने नेतन्याहू के हथियारों की तस्करी के दावों की निंदा की है और इलाके से इजरायली सैनिकों की वापसी के लिए समय सीमा की मांग की है। वहीं इस बयान के ठीक 24 घंटे के बाद मिस्र की सेना के चीफ ऑफ स्टाफ राफा बॉर्डर का निरीक्षण करने पहुंच गए। स्टेट मीडिया ने बताया है कि चीफ ऑफ स्टाफ ने बॉर्डर सिक्योरिटी का जायजा लिया, हालांकि इसके अलावा कोई जानकारी नहीं दी गई। दरअसल इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बार बार राफा बॉर्डर पर स्थित फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर कब्जा बनाए रखने पर जोर दिया है। गाजा और मिस्र बॉर्डर पर स्थित ये 14 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है, जिसकी चौड़ाई करीब 100 गज है। ये गाजा पट्टी और मिस्र के बीच बफर जोन का काम करता है, लेकिन नेतन्याहू का दावा है कि इस रास्ते का इस्तेमाल हमास को हथियार सप्लाई के लिए किया जाता है। हमास और इजराइल के बीच गाजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई की बातचीत नतीजे पर नहीं पहुंच पाई थी। कई महीनों से अमेरिका, कतर और मिस्र इसके लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर नियंत्रण बनाए रखने की नेतन्याहू की जिद की वजह से समझौता नहीं हो पाया। हमास के साथ साथ मिस्र भी इस कॉरिडोर पर इजराइल के नियंत्रण के खिलाफ है। वहीं इजराइल के रक्षा मंत्री समेत कई सुरक्षा अधिकारियों ने भी नेतन्याहू की इस डिमांड को गैर जरूरी ठहराया है। रक्षा मंत्री योग गैलेंट के मुताबिक मिस्र बॉर्डर पर सैनिकों की तैनाती किए बिना भी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। दोस्तों, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस तरह इजराइल की विस्तारवादी नीतियां आगे बढ़ रही है, ये कल मिस्र के इलाके पर भी कब्जा कर सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हाँ दोस्तों, रूस एक बार फिर अपनी सेना में इजाफा करने जा रहा है। CNN के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन ने सोमवार को सैनिकों की संख्या बढ़ाने का आदेश दिया है। आदेश के मुताबिक रूसी सेना में 1,80,000 सैनिकों की भर्ती की जाएगी। इससे रूसी आर्मी में कुल सैन्य कर्मियों की संख्या लगभग 23,80,000 हो जाएगी। इसमें एक्टिव सैनिकों की संख्या 15,00,000 होगी। क्रेमलिन के मुताबिक नई भर्ती दिसंबर में होगी। एक्टिव सैनिकों के मामले में फिलहाल रूस से आगे चीन, भारत और अमेरिका है। नई भर्ती के बाद एक्टिव सैन्य कर्मी के मामले में वो दूसरे नंबर पर आ जाएगा। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज IISS के मुताबिक चीन के पास करीब 2,000,000 एक्टिव सैन्य कर्मी है, वहीं भारत के पास करीब 1,400,000 एक्टिव और अमेरिका के पास 1,300,000 एक्टिव सैन्य कर्मी है। फरवरी 2022 में यूक्रेन जंग की शुरुआत होने के बाद ये तीसरी बार है जब पुतिन ने सेना का आकार बढ़ाया है। पुतिन ने अगस्त 2022 में 1,37,000 सैनिकों की बढ़ोतरी का आदेश दिया था। इससे रूसी सेना में कुल सैनिकों की संख्या 2,000,000 से ज्यादा हो गई थी।
इसमें 11,50,000 एक्टिव सैनिक थे। इसके बाद दिसंबर 2022 में रूसी सेना में 1,70,000 और सैनिक बढ़ाए गए। इससे कुल एक्टिव आर्मी 13,20,000 हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक सैनिकों की संख्या बढ़ाने का पुतिन का ये आदेश इसलिए भी अहम है क्योंकि पिछले महीने रूस के कुर्सक क्षेत्र में यूक्रेनी सेना घुस गई थी। यूक्रेन ने रूस के करीब 1175 वर्ग किमी इलाके पर कब्जा कर लिया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये पहली बार था जब रूस ने इतनी जमीन गंवाई। हालांकि अब रूस ने अपनी जमीन वापस हासिल करने की कोशिश तेज कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले हफ्ते रूस और यूक्रेनी सेना के बीच कुर्सक के कई इलाकों पर मुठभेड़ हुई। इस बीच रूस ने पूर्वी डोनबास इलाके के अहम यूक्रेनी शहर पोकुरोवस्क पर कब्जा करने की कोशिश तेज कर दी है। वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बार फिर अपने सहयोगी देशों से रूस के रणनीतिक ठिकानों पर हमले की मंजूरी मांगी है। जेलेंस्की ने कहा है कि लंबी दूरी की मिसाइलों से रूस के सैन्य ठिकानों को तबाह कर ही इसका समाधान निकाला जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और ब्रिटेन ने पिछले हफ्ते तक यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें देने का मन बना लिया था, लेकिन पुतिन की चेतावनी के बाद उन्होंने इरादा बदल दिया। दरअसल पुतिन ने पश्चिमी देशों को धमकी दी थी कि अगर यूक्रेन को लंबी दूरी तक हमला करने वाली मिसाइल का इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। पुतिन ने कहा था कि अगर रूस पर लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला होता है तो माना जाएगा कि नाटो इस जंग में सीधे तौर पर शामिल है। पुतिन की चेतावनी के बाद व्हाइट हाउस को बयान जारी करना पड़ा। इस बयान में कहा गया कि फिलहाल यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल सप्लाई करने पर कोई फैसला नहीं हुआ है। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हाँ दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान और पाकिस्तान होते हुए भारत तक आने वाली तापी गैस पाइपलाइन से नई दिल्ली हाथ खींचता दिख रहा है। पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंधों की वर्तमान स्थिति को देखते हुए दिल्ली इस पाइपलाइन के भारत तक विस्तार को लेकर उत्साहित नहीं है। सूत्रों ने ईटी को बताया कि द्विपक्षीय संबंधों की मौजूदा स्थिति के तहत भारत गैस आपूर्ति के लिए पाकिस्तान पर निर्भर नहीं रहना चाहता क्योंकि इससे पाक सरकार दिल्ली पर दबाव बना सकती है। इसे देखते हुए भारत सरकार की फिलहाल तापी के जरिए गैस आपूर्ति पर सक्रिय रूप से जोर देने की कोई योजना नहीं है। दरअसल अफगान सरकार और तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति ने पिछले सप्ताह ही इस परियोजना के तहत काम शुरू किया है। तुर्कमेनिस्तान के इस्लामिक चश्मा में एक सेरेमनी में कार्यवाहक अफगान प्रधानमंत्री हसन अखुंद सहित दोनों पक्षों के अधिकारियों ने इस परियोजना की सराहना की। अखुंद ने इस दौरान कहा कि ये पहल अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगी और दोनों देशों की आबादी को भी इससे सीधा फायदा मिलेगा। तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति सरदार बर्दी मोहम्मदो ने कहा कि ये प्रोजेक्ट पूरे क्षेत्र के लिए लाभकारी है। ईटी से बातचीत में नाम ना छापने की शर्त पर विशेषज्ञों ने बताया कि तापी से आर्थिक लाभ तभी होगा जब गैस पाकिस्तान और भारत में भी पहुंचे। इन दोनों देशों के बाजार आकार और खरीद क्षमता पाइपलाइन की अहमियत को बढ़ाएगी। भारत के पास अब एलएनजी आपूर्तिकर्ताओं तक भी आसान पहुंच है। तुर्कमेनिस्तान की ओर से इस प्रोजेक्ट पर काम 2015 में शुरू हो गया था और 2018 में अफगानिस्तान में इस पर काम शुरू होना था, लेकिन इसमें बार बार देरी होती रही है। इस पाइपलाइन से दक्षिण पूर्व तुर्कमेनिस्तान में गालकिनेश गैस क्षेत्र से करीब 33 बिलियन क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस निकाले जाने का लक्ष्य रखा गया है। अफगानिस्तान में 2021 में तालिबान के सत्ता में वापसी हुई है। तालिबान सरकार को किसी भी देश ने अभी तक आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी है। ऐसे में ये पाइपलाइन अफगान के तालिबान सरकार के लिए मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के बीच एक पुल के तौर पर काम करने का मौका भी है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में दें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।